भोरंज के कढ़ोता गांव के शहीद अंकुश ठाकुर के स्मारक निर्माण समिति की देर शाम हुई बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल रेजिमेंट की मांग केंद्र सरकार से करने लगी है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर प्रदेश सरकार इस पर केंद्र सरकार से बात करती है तो कांग्रेस पार्टी सरकार का पूरा समर्थन करेगी। इससे पहले उन्होंने यहां शहीद अंकुश ठाकुर स्मारक निर्माण कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग की और कहा कि स्मारक का निर्माण कार्य जगह फाइनल होते ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मारक में निर्माण के लिए पार्टी आम जनता का सहयोग भी मांगेगी। राठौर ने कहा कि इस प्रदेश के लोगों को देश के खातिर बहुत अधिक बलिदान रहा है और भारी संख्या में प्रदेश के युवा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश की रक्षा में शहादत पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल रेजिमेंट की मांग को पूरा करवाने में प्रदेश सरकार की मदद के लिए आगे आना चाहिए। वहीं प्रदेश में पंचायत व नगर निकायों के चुनावों को पार्टी संबल पर करवाने के प्रश्न पर राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि नगर निगम व नगर पालिकाओं के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होने चाहिए, लेकिन पंचायतों के चुनाव में पार्टी चिन्ह के लिए भी सभी पार्टियों को पहले अपने स्तर पर बातचीत के बाद सरकार के साथ बैठकर आम सहमति बनानी होगी। शिमला जिला के कुमारसैन थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार तार किया है। जिस बाप को अपने पुलसिए बेटे पर कभी नाज था, उसी बेटे व बेटे के परिवार ने 81 वर्षीय बुजुर्ग व उनकी पत्नी को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। ये मामला शिमला जिला के कुमारसैन थाना के भरेड़ी पंचायत के कठिन गांव में पुलसिए बेटे उसकी पत्नी और दो पोतों द्वारा 81 वर्षीय बुजुर्ग दंपति को पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर आईपीसी की धारा 451, 341, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर बुजुर्ग का उपचार रामपुर के खनेरी चिकित्सालय में कराया। पुलिस के अनुसार धर्मदत्त वर्मा ने लिखित शिकायत में बताया कि उनका पुत्र जो पुलिस महकमे में है ने अपनी पत्नी व दोनों बेटों के साथ बिना किसी कारण के मारपीट की। झगड़े का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। जमीन को लेकर मारपीटकर्ताओं ने पहले उनके दूसरे स्वर्गीय बेटे के पुत्र रजत से झगड़ा और मारपीट शुरू किया। इस पर वे और उनकी पत्नी बचाव में आए तो दोनों की पिटाई कर दी। इस दौरान बुजुर्ग के सर में चोटें आई है। बुजुर्ग धर्मदत्त ने बताया कि उनके पुत्र ने मारा। इस दौरान पुलसिया पुत्र के दोनों बेटे भी आए और उनकी बुजुर्ग पत्नी समेत उन्हें मारा। अब उन्हें जान का खतरा है क्योंकि मकान एकांत में है, कभी भी मार सकता है। उनका पुलसिया बेटा धमकी देता है कि हाई कोर्ट में साहब के साथ हूँ, गोली से उड़ा दूंगा, मुझे कहाँ रहूँ, मुश्किल है। धर्मदत्त के दूसरे बेटे के पुत्र रजत ने बताया कि पुलसिया चाचा और उसके परिवार ने उन्हें दादा और दादी को मारा। बुजुर्ग दादा को सर में चोटें आई हैं, सिटी स्कैन के लिए रामपुर अस्पताल लाए हैं। दादी को भी चोटें आई हैं, उन्हें कुमारसैन हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने बताया कि चाचा धमकी देता है कि पुलिस में जाओगे तो मैं पुलिस में हूँ, कोर्ट जाओगे तो मैं हाई कोर्ट में नौकरी करता हूँ, ऐसे में न्याय के लिए कहाँ जाएं। डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि कुछ फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुए, उसमें मामला दर्ज किया गया। कुछ डॉक्टरी राय के लिए बुजुर्ग को रामपुर के महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी भेजा गया, जहां से रिपोर्ट आनी बाकी है। उसी के आधार पर आगे धाराएं जोड़ी जाएंगी।